बजा दो, दो गोली मुंह में डाल दो, अगर उछलने लगा पेशेंट तो बस शॉक दे दो और सुला दो, हो गया ट्रीटमेंट। अरे किसी आदमी की बीवी अपने पड़ोसी के साथ भाग जाए और किसी भिखारी को 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, दोनों सदमे अलग हैं, दोनों को एक लकड़ी से कैसे हाँक सकते हैं। खैर आनंद के बारे में क्या समझ पाई हो? कितना दर्दनाक केस है ये, मेरी तो आंख भर आई है सब जान के। तन्वी, या तो वो अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुका है या उन पुरानी यादों से दूर भागने के लिए पागलपन का ढोंग कर रहा है। वैसे भी इंसान के मन की गहराई को कौन समझ सका है। पर मुझे नहीं लगता कि वो ढोंग कर रहा है। ऐसे कई मरीज हैं जो अपने मन की बात छुपा कर रखते हैं हमसे, चोरों की तरह। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वो चोर है तो हमें पुलिस की तरह उसके मन को पकड़ना चाहिए। टेक इट एज अ चैलेंज।